दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज में शामिल होने वाले मौलवियों से देश भर में कोरोना वायरस फैलने की आशंका है और रांची में मलेशियन महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब झारखंड सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए झारखंड में मौजूद विदेशी मौलवियों और निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज में शामिल होकर आने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में धनबाद पुलिस ने गोविंदपुर प्रखंड के आसन बनी पंचायत की मस्जिद से इंडोनेशिया के 10 मौलवियों और मुंबई के 2 मौलवियों को बाहर निकाला है। इन्हें PMCH में जाँच के लिए लाया गया। जाँच और सैंपल लेने के बाद सभी को PMCH के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। क्वारंटाइन पीरियड ऐसे एक महीना हो चुका, पीरियड खत्म हो चुका है, फिर भी जो अभी जो रांची में जो कोरोना पॉजिटिव केस पकड़ा गया तो उसमें हम लोग ऐतिहासिक स्तर पर सबको ले आए हैं। टीम्स में सबको हम लोग सैंपल ले लिए हैं और सैंपल आज मॉर्निंग में ही हम लोग भेज दिए हैं टीम। जब तक उसको रिपोर्ट नहीं आता तब तक वो आइसोलेशन में रखा गया टीम से। उसी तरह जी वो 10 क्वारंट का है जो इंडोनेशिया से आए हुए, 2 महाराष्ट्र, 12 ये लोग भी वहाँ भूली वहाँ से ये लोग टाइम है तो ये लोग अभी हम लोग अभी क्वारंटाइन कर दिए हैं। ये लोग 14 दिन तक देखेंगे, ये लोग का भी सैंपल हम लोग भेजेंगे और जैसे रिपोर्ट आएगा उसमें सब कार्रवाई करेंगे। ये लोग दिल्ली होते हैं तो लेकिन ये लोग को कहना कि उसमें जहाँ पर पॉजिटिव आया जिस सेंटर उसके सामने नहीं आए, जो भी हो हम लोग उसको जान करके सही कार्रवाई करेंगे। दिल्ली और रांची की घटना के बाद जिला प्रशासन निर्देश पर गोविंदपुर आसन बनी मस्जिद में क्वारंटीन पर रह रहे मौलवियों की जानकारी ली। पुलिस को जानकारी दी गई कि वो विगत 29 फरवरी को गोविंदपुर आए थे। पुलिस ने विगत 24 मार्च को ही PMCH में उनकी जांच कराई थी। धनबाद से न्यूज के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।